Hello friends, welcome back Unique Institute, welcome you. This is Yohar Kuswa front of you. I would like to give you new video over the vocabulary session. Friends, I hope you are enjoying. So comments, share and subscribe and enjoy the video. Thank you very much. Let me give the one more word related to at least hota hai kam se kam. Jab hum baat karte hain, you should have at least 5000 rupees. Tumhare paas kam se kam 5000 rupees hona chahiye. You should have at least essential eligibility, आपके पास कम से कम जरूरी योग्यताएं तो होनी ही चाहिए. तो फ्रेंड्स वहां पे हम एट लीस्ट का प्रयोग करेंगे. अलग है एट लास्ट होता है अंत में. एट लास्ट आई रियलाइज्ड, अंत में मुझे एहसास हुआ. एट लास्ट आई शा, अंततः मैंने देखा. ठीक है, इवेंचुअली भी होता है अंततः, इवेंचुअली अंततः, पर यहाँ पर एट लास्ट बहुत कॉमन वर्ड है. लेकिन सारे वर्ड ईजी हैं, कॉमन है, पर हमें कनेक्ट करना आना चाहिए. सूनर और लेटर, जब कोई आ जाता है हम बोलते हैं चलो सूनर और लेटर आ तो गया देर सवेरे. सूनर और लेटर ही केम होम. सूनर और लेटर यू अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सूनर और लेटर गवर्नमेंट थिंक अबाउट पब्लिक. सूनर और लेटर आई विल गेट सक्सेस. अंडरस्टैंड, तो सूनर और लेटर का प्रयोग हो गया. इसी प्रकार फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है हमारा इमीजिएटली. इमीजिएटली, इमीजिएटली मतलब होता है तुरंत, अभी, इमीजिएटली, ऑन द स्पॉट. कोई भी काम अगर आप तुरंत करना, उसके लिए एक वर्ड बोलेंगे इमीजिएटली. ठीक है, सेंक्शन माई लोन इमीजिएटली. आई विल गिव यू ट्रीटमेंट इमीजिएटली. डॉक्टर गिव्स ट्रीटमेंट इमीजिएटली टू द पेशेंट फॉर द सीरियस पेशेंट. अंडरस्टैंड, इंटेंशनली होता है फ्रेंड जानबूझकर. ठीक है, इरादा होता है इंटेंशन और इंटेंशनली होता है जानबूझकर. जैसे कि आप कहते हैं आई डिडेंट डू इट इंटेंशनली, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया. It happened because of my mistake, but I didn't do it intentionally. तो intentionally होता है friends, विचार पूर्वक, जानबूझकर, इरादे के तहत. तो ये word अच्छे से याद कर लीजिएगा, it very important for you. अगला word है somehow, जैसे तैसे. Settle the matter somehow, anyhow कैसे भी, और somehow जैसे तैसे. ठीक है, I entered the train somehow, कैसे भी करके मैं train में घुसा. Entered, I entered the train somehow, entered. ठीक है, अगला वर्ड है फ्रेंड इज इट शो, ऐसा क्या. वेन समवन एक्सप्लेन एंड यू स्पीक विद सरप्राइज, इज इट शो, ऐसा क्या. जब कोई किसी बात को बताता है और आप सरप्राइज के साथ एक रिप्लाई करते हैं ऐसा क्या, तो आप बोलेंगे इज इट शो, ऐसा क्या. तो ये छोटे छोटे वर्ड आपको आना चाहिए और बोलना सीखिए. इनको छोटे छोटे वर्ड को हम एटीट्यूड मार्कर बोलते हैं. जैसे आप बोलते हैं ना वेल, थैंक यू, वाओ, वेल डन, सरप्राइजिंगली, ऑनेस्ट. एक दिन मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा आपको कि जितने भी एटीट्यूड मार्कर हैं एक दिन में ही पूरे आपको बता दूंगा. फिर भी आप बीच बीच में भी आना चाहिए. ये नहीं कि चुपचाप आप सुन रहे हो कोई बोल रहा है और आप बीच में कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, आप देख रहे हैं यहाँ वहाँ, ये नहीं. आपको बीच बीच में येस, नो, थैंक यू, इसका मतलब ये होता है आप रुचि ले रहे हैं वाले के कन्वर्सेशन में. अंडरस्टैंड, चलो अगला एक और वर्ड है कम वॉट मे. चाहे जो कुछ भी हो जाए, कम वॉट मे आई विल हेल्प यू. जैसे बोलते हैं ना लड़के, कम वॉट मे आई विल मैरी हिम, कम वॉट मे आई विल मैरी हर. चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं तो उसी से शादी करूँगा. ठीक है, कम वॉट मे आई विल क्रैक द एग्ज़ाम, आई विल, कम वॉट मे आई विल अर्न अ लॉट ऑफ मनी, कम वॉट मे आई विल परचेस न्यू कार. कुछ भी हो सकता है, चाहे जो कुछ भी हो जाए. तो जहाँ पे भी जो कुछ भी होता है वहाँ पे हम कम वॉट मे का प्रयोग करते हैं. ठीक है, चलो ठीक है. क्या हुआ, एक कहानी सुनाता हूँ. एक बार क्या हुआ, एक लड़का था, वो एक बड़े से नेता उसकी बेटी से शादी करने के लिए धरने पर बैठ गया. उसने कहा कि मैं तो इसी से शादी करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए. अब चूंकि नेता था और वो काफ़ी रेपुटेड था, उसकी रेपुटेशन का सवाल था. शादी ना करे तो कहेंगे नेता जो है एक पब्लिक का नहीं सुनता, पब्लिक को अवॉइड करता है, और अगर शादी करता है तो वो नालायक से क्यों शादी करे. उसको कुछ समझ नहीं आया, वो एक फ़कीर बाबा के पास गया. फ़कीर बाबा को सारा वृतांत बताया कि वो लड़का है मेरी बेटी से शादी करने के लिए मेरे घर के सामने धरने पे बैठ गया कि अगर इससे शादी करो नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगा. उनकी कुटिया के पास एक गरीब भिखारन रहती थी. उनने उसको बोला कि तुम उस जो लड़का बैठा है उसके टेंट के सामने एक अपना टेंट लगा लो और तुम उस टेंट में बैठ जाओ और तुम कहो कि मुझे इस लड़के से शादी करना है. अगर ये लड़का मुझसे शादी नहीं करेगा तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूँगी. उसने वही किया, वो लड़की वहाँ बैठ गई और पता चला कि वो आंदोलन करने लगी कि अगर ये मुझसे शादी नहीं करेगा तो मैं मर जाऊंगी. वो अपना टेंट उखाड़ के भाग गया. मतलब ये है, इसे कहते हैं कि
ईंट का जवाब पत्थर से देना, ठीक है। द नेल्स ड्राइव अनदर, ठीक है, कहते हैं ना कांटे से ही कांटा निकलता है, ठीक है ना, ड्राइव नेल्स अनदर समवेयर, कहीं कहीं, और इसी में लगा दो समवेयर एल्स, कहीं और। अगर आपने कहा कि मुझे आपके पास बैठना है, मैं कहूँगा यहाँ अभी कोरोना वायरस चल रहा है, आप मेरे पास नहीं बैठ सकते, इसलिए यू कैन सिट समवेयर एल्स, ठीक है ना, यू कैन सिट समवेयर एल्स। ना जाने ये कोरोना क्या क्या बदलाव करेगा। दिक्कत तो उन दोस्तों को होंगे जो एक ही सिगरेट को चार चार लोग वो में ठूंस के पीते हैं, उनका क्या होगा बेचारों का, अब उनको अलग अलग सिगरेट खरीदना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पीना तो बंद करेंगे नहीं, ठीक है, और कोरोना जब तक रहेगा तो ये तो प्रॉब्लम ही रहेगी, अब तो दोस्तों पर विश्वास भी नहीं कर सकते ना। एट दिस टाइम, इस समय, व्हाट आर यू डूइंग एट दिस टाइम, नेवर, कभी नहीं, नो वेयर, नो वेयर, कहीं नहीं, व्हेन समबडी आस्क, समबडी आस्क, कहाँ जा रहे, नो वेयर, अदरवाइज, अन्यथा, अदरवाइज, अन्यथा, इनफ, पर्याप्त, इनफ, पर्याप्त, आइदर और, या तो या, आइदर प्ले क्रिकेट और फुटबॉल, आइदर यूट फूड और टेक टी, आइदर और, नाइदर नॉट, ना तो ना, नाइदर यू गो आउटसाइड नॉर सिट हियर, फिर आदमी क्या करे, बाहर भी नहीं जा सकता, यहाँ भी नहीं बैठ सकता, नाइदर नॉर, ओके। देन वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, जब कोई भीड़ लगाता है कहीं तो हम उसको बोलते हैं वन आफ्टर अनदर, ये शब्द लॉकडाउन में बहुत उपयोगी हो सकता है, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, विद इन अ सेकेंड, मिनटों में, ठीक है, विद इन अ सेकेंड, जैसे कभी हम कहें कि प्रेसेंट्स इंक्रीज विद इन अ सेकेंड, जो प्रेसेंट्स है वो बढ़ जाते हैं विद इन अ सेकेंड, टुगेदर, साथ साथ, तो अभी क्या बोलेंगे, डोंट वॉक टुगेदर, डोंट प्ले टुगेदर, डोंट मेक अ गैदर, डोंट मेक अ गैदरिंग, गैदरिंग मत बनाओ, मीन्स टुगेदर मत होइए, साथ साथ मत होइएगा, नॉट लेस देन, से कम नहीं, नॉट लेस देन, से कम नहीं, और नॉट मोर देन, से ज़्यादा नहीं, मीन्स डोंट गो एनी वेयर मोर देन टू पीपल, धारा 144 जो लगती है उसमें यही होता है कि दो तीन लोगों से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, ठीक है, तो अभी वही कहेंगे कि यू कांट बी गैदर मोर देन थ्री पीपल समवेयर, थ्री पर्सन समवेयर, अंडरस्टैंड। एक और वर्ड है फ्रेंड्स, एनीथिंग, कुछ भी, एनीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसके बाद एक और वर्ड है यूजुअली, प्रायः, यूजुअली आई स्पीक, अक्सर मैं कहता रहता हूँ, यूजुअली आई स्पीक। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना।